आप अपने एरिया में किसी से पूछ लें, कोई भी आम आदमी पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ गाली के अलावा कुछ भी डोनेट नहीं करता। जिस पैसे से नेता अच्छे स्कूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके लिए बढ़िया हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, उसी पैसे को ये लोग अपने इलेक्शन पर खर्च करते हैं। और हमारा देश तो इलेक्शन में पैसे खर्च करने के मामले में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। और ना ही ये नेता किसी राजा महाराजा के परिवार से आते हैं और ना ही ये अपनी जमीन बेचते हैं, फिर भी जो इनके पास हजारों करोड़ों रुपए आते हैं, ये इतने सारे पैसे आखिर आते कहां से? जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें पार्टी अपने पैसों से अलग अलग लोकेशन पर अपने उम्मीदवार उतारती है और उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाती है। जो भी उनके कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, उनका खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, टी शर्ट, कैप, झंडे, पोस्टर, बैनर, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन के समय पब्लिक को लालच देने के लिए अलग अलग तरीके से वोट खरीदना, वो खर्चा अलग से। अब ये इलेक्शन किसी एक स्पेशल एरिया में नहीं बल्कि पूरे देश में होता है। अब आप इसे ऐसे समझो कि मान लो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और हमारे लोकसभा में 543 सीटें हैं और हर एक सीट पर एक पार्टी कम से कम 1 करोड़ तो खर्चा करते ही है, चाहे वो चुनाव जीते या फिर हारे, तो कुल होते हैं 543 करोड़। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि यही सेम प्रोसेस दूसरी और तीसरी पार्टी भी करती हैं। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल और लोकल पार्टियाँ इलेक्शन में खर्चा करती हैं वो अलग से। और हमारा देश तो इलेक्शन में पैसे खर्च करने के मामले में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। और अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उस इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और वहीं एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने में हमारे भारत की 62वीं रैंक है। पॉलिटिकल पार्टी न तो कोई बिजनेस कर रही है, न ही किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है और न ही वो किसी चीज़ को बेचकर पैसे कमा रही है। और वैसे भी पार्टियां तो नॉन प्रॉफिट होती हैं और ना ही ये नेता किसी राजा महाराजा के परिवार से आते हैं और ना ये अपनी जमीन बेचते हैं, फिर भी जो इनके पास हजारों करोड़ों रुपए आते हैं, ये इतने सारे पैसे आखिर आते कहां से हैं? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढें तो इसका जवाब ये है कि ये आपका पैसा है। आप खुद सोचिए, जिस पैसे से नेता अच्छे स्कूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके लिए बढ़िया हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, उसी पैसे को ये लोग अपने इलेक्शन पर खर्च करते हैं और अपने पार्टी के झंडे और पोस्टर आपके हाथ में देकर चले जाते हैं। मान लो आप कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्लैक मनी या फिर किसी पार्टी को अपने हित में रखना चाहते हैं तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे ताकि पार्टी के जीतने के बाद आपको पूरा लाभ मिल सके। लेकिन आप अगर समाज सेवा करने के भाव से डोनेट करते हैं तो आप किसी वृद्धाश्रम या चाइल्ड केयर में डोनेट करेंगे। आप अपने एरिया में किसी से पूछ लें, कोई भी आम आदमी पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ गाली के अलावा कुछ भी डोनेट नहीं करता। फिर इनको 2018-19 में केवल एक साल में ही 951 करोड़ रुपए की डोनेशन मिली है। यहाँ मेरी खुद की एक संस्था है जो कि पिछले 20 सालों से चल रही है, उसमें तो आज तक किसी ने 1 रुपया भी डोनेट नहीं किया। हम अपनी जेब से पैसे लगाकर समाज सेवा करते हैं। इसमें सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसमें डोनेट करने वाले की जानकारी ही नहीं होती। और मंदिर में अगर कोई एक ईंट भी डोनेट करता है ना, तो अपने संगमरमर के पत्थर में अपनी 3 पीढ़ियों का नाम लिख कर जाता है। और यहाँ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट किए जाते हैं। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। जब पॉलिटिकल पार्टी पहले पूरे सिस्टम को खराब करके उसे सही से चलने नहीं देती और फिर उसी सिस्टम के अंदर काम करवाने के पैसे लेती है, जिसे ये पार्टी फंडिंग का नाम देते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं छोटे बिजनेसमैन और सर्विस क्लास फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात हो रही है बड़े बड़े बिजनेसमैन की। और ये पार्टियाँ इन बड़े बिजनेसमैन को ही टारगेट करती हैं और जब ये बड़े बिजनेसमैन पैसा डोनेट करते हैं तो उसके बदले पार्टियाँ भी उन्हें नाराज नहीं करती बल्कि उनके हिसाब से आगे के रूल बनाए जाते हैं। और आप इन पार्टियों को जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना ही ये आपके फेवर में नियम बनेगा और इनको डोनेशन दिए बिना आपका बिजनेस ठीक से कभी नहीं चल सकता। पार्टी कोई भी हो, सबका यही फंडा है पैसे कमाने का। इसलिए जब भी पार्टी चुनाव के टाइम इन बिजनेसमैन से डोनेशन मांगती है तो इनके पास पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि इन नेताओं ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं कि अगर आप पैसे देते हैं तो आपको लीगली फ़ायदा होगा। अब ये फ़ायदा होगा कुछ ऐसे कि मान लो आप बिजनेस करते हैं और आप साल के 20 लाख रुपए कमा लेते हैं, तब इसमें 2 लाख रुपए आपको टैक्स में देना पड़ता है। वहीं अगर ये 2 लाख रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो आपको 2 लाख टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा, मतलब कि टैक्स बचा लिया वो अलग, साथ में नेता मंत्रियों के प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी नेता चुनाव में 70 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करता है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके 3 गुना पैसे देने पर भी कोई पार्टी टिकट तक नहीं देती। इसमें इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इतने पैसे में तो इनके इलेक्शन का पोस्टर भी नहीं छपता। और सच्चाई ये है कि नेता अपनी मर्जी से पैसा खर्च करता है और इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ नोटिस ही देता रहता है।
क्योंकि अनुच्छेद 324 में हमारा संविधान ही कहता है किसी भी नेता को जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और ये बात इसलिए लिखी गई क्योंकि हो सकता है कि कोई अच्छा नेता हो जो देश का भला करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से वह जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडिंग अलाउ की है। लेकिन आजकल ईमानदार नेता अपनी बात मन में लिए बैठा है, और कुछ नेता अपनी बात जनता तक पहुंचाने के बजाय उनका मन दारू, पैसे और अलग अलग सामान बांटकर वोट खरीदने में लगा है, और इसी कारण से चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में भारत टॉप पर आता है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई नेता इतना पैसा बांटकर आपसे वोट खरीदता है तो इन पैसे को कैसे वापस लेगा, वो तो सोचा ही होगा उसने। और मान लो वो चुनाव जीत भी जाता है तो वह जिन पैसे से आपके ऊँट खरीदे हैं सबसे पहले तो उसकी वसूली करेगा, और फिर अगला चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे जमा करेगा, क्योंकि बिना पैसे के तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है इन सब से, तब जाके कहीं आपके इलाके का वह विकास करता है, और विकास के नाम पर भी चुनाव से एक साल या छह महीने पहले कोई सड़क या फिर नाली बनवा देता है। देखिए, पैसे लेकर वोट देना सबसे बेवकूफ़ी वाला सौदा है, और इसे सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ ही कर सकता है। जिस पैसे से आपके परिवार के लिए एक अच्छी फैसिलिटी वाला सस्ता हॉस्पिटल और आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल सकता है, वह आप सिर्फ एक हरी नोट और 200 के बोतल में बेच आते हैं, और फिर वही उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे लगाकर प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूलों में धक्के खाते हो। और इस तरह का फैसला सिर्फ एक बेवकूफ़ ही कर सकता है।